चलो अब हम प्रार्थना करते हैं, गॉड से बातें करते हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आप सबका स्वागत है। ये समय है प्रार्थना का। आज हम प्रार्थना करने वाले हैं याकूब इसका 5वां अध्याय वचन 16 कहता है, सत्यनिष्ठ जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। हम अन्य भाषाओं में प्रार्थना करेंगे, भारत में भारत के बच्चों के लिए मध्यस्थता करेंगे कि उनके दिमाग बुराई से बचे हुए हैं और उनके जीवन में परमेश्वर का उद्देश्य पूरा हो रहा है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। अपने हाथ को उठाएंगे, अपने आंखों को बंद करेंगे और प्रार्थना करेंगे। ओ रा बाबा शांतली जाला दलाबा लो ब्राला बा शांतली जाला बराबा शेंदली जाला दराबा ला ब्रदी लाला ब्रदी लाला ब्रदी लाला ब्रदी लादी शेंग्राता शाला बराबा ला ब्रदी जाला बराबा जेंदा दरा बराबा 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 शेंथा लाबा लागरी दी लाला रे ले 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 रे बा शांगा दबा ला ब्रदी अंदा ला ना ना ला दा लगा लगा दा लगा लगा दा लगा लगा दा लगा दा बराबा बराबा शांथा लाबा ओ रा बाबा शांता ओरा बाबा शांतली जारा बा शेख दोस्तो ला ब्रदी जान नदी जेरा बा शांतले दे 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 से ला दादी दला दे दी दला 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 ला बा 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 शांते रे दे ओरा बाबा शांते रे दे 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 सा ओरा बाबा शांते रे दे 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 सा ओरा बाबा शांते रे दे 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 सा ला दे दे दा 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 बा शिंग कतला बांधला दे जोर बहु जागा जड़ा दड़ 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 दा शुतु ला दड़ी दड़ दड़ बा शांते ला बा सोंगो तो स्टोर बा शिंग असहारे बो ला आश्चर्य बोस्ट आ रखा ते स्टोर बोस्ट आना ली जहीर बे ला ब्रदी जाला बरा बरा बार रा दा 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 बा बदला 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 बा शिंग ला गा दा ला दड़े 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 ओरा बाबा शांतली जहां दा दले ओ ला दले 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 ला दले 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 ला बदले दले दले दा शीन दा खांदा ला बाशों तो ला बदी जा ला बरा बाला 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 बरा शीन थला बा ओम रदी जाला दरी जाला दरी जाला दरी जाला दरी जाला दा शुतु ओ रा बाबा शांखती सालावा ला ब्रदी जान दरी जाला दा दा जेरे दरे 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 जान दा ला दा मांदली जान ला दा जेरे बाला बरा 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 शीते ओ रा बाबा शांखती साथ ते ते बे ला ब्रदी जेन दुदुबु ओ हालेलुया। ओ धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद धन्यवाद परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं। हम उस हर एक बच्चे के लिए प्रार्थना करते हैं, उस हर एक बच्चे के लिए मध्यस्थता करते हैं कि वो आपको जान रहे परमेश्वर। धन्यवाद, ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम में, आमेन। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। बाय बाय फ्रेंड्स, ये समय है परमेश्वर की स्तुति आराधना करने का। हुरे! तो क्या शुरू करें? अब ये समय है बच्चों की रैप्सोडी का और हम बहुत अच्छी अच्छी बातें सीखने वाले हैं।
हेलो बच्चों, ये समय है वास्तविकता संग्रह को पढ़ने का मार्क के साथ। आए तालियों के साथ स्वागत करें मार्क का। हेलो दोस्तों, मेरा नाम मार्क है और आज रविवार 1 अक्टूबर और आज का संदेश है अपने देश के लिए प्रार्थना करो। यिर्मयाह उसका 29:7 परंतु जिस नगर में मैंने तुमको बंदी करा के भेज दिया है उसके कुशल का यत्न किया करो और उसके हित के लिए यहोवा से प्रार्थना किया करो, क्योंकि उसके कुशल से तुम भी कुशल के साथ रहोगे। यिर्मयाह उसका 29:7 परमेश्वर की एक संतान के रूप में जहाँ पर आप रहते हैं उस देश के लिए प्रार्थना करना महत्वपूर्ण है, क्योंकि जो कुछ उस देश में होता है वो आपको भी प्रभावित करता है। यहाँ तक कि जब इसराइलियों को बेबीलोन में बंदी बना लिया गया था तो भी परमेश्वर ने उन्हें उस देश की सफलता के लिए प्रार्थना करने के लिए कहा। इसका कारण यह है कि उनकी सफलता बेबीलोन की सफलता से जुड़ा हुआ था। आप देखते हैं, जब परमेश्वर आपके देश को आशीष देता है तब वे आशीषें आपके पास भी आएंगी, क्योंकि आप वहां पर रहते हैं। इसलिए अपने देश के लिए प्रार्थना करना बंद मत करो। अगले ग्लोबल डे ऑफ प्रेयर में मुझसे जुड़िए। जैसे ही हम विश्व के देशों के लिए प्रार्थना करते हैं, आए प्रार्थना करें। अपने हाथों को स्वर्ग की ओर उठाकर मेरे पीछे बोलिए, प्यारे पिता, मैं हमारे देश के मामलों को संचालित करने के लिए हमारे लीडर्स के लिए आपकी बुद्धि के प्रावधान और हमेशा सही करने की इच्छा के लिए प्रार्थना करता हूँ यीशु के नाम में, आमीन। वचन अध्ययन के लिए पढ़ सकते हैं 1 तिमोथियस उसका 2 अध्याय 1-2 थैंक यू दोस्तों, अगली बार हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए बाय बाय। प्रभु ની સ્તુતિ થાઓ, હાલેલુયા। કેમ છો તમે બધા? વિશ્વાસ છે કે તમે બધા આશીર્વાદિત છો, અને જ્યાં પણ તમે છો તમારી આજુબાજુમાં જે કોઈ પણ છે 3 જણાને હાઈ ફાઈ થી જોઈને કહો તમારું સ્વાગત છે। પ્રભુ સ્તુતિ થાઓ, હાલેલુયા। મને વિશ્વાસ છે કે તમે બધા ઉત્સાહિત છો, અને હમણાં સુધી તમે ઘણું બધું શીખ્યા અને ખૂબ જ મજા આવી હશે તમને, અને હવે સમય છે વચનનો। પ્રભુની સ્તુતિ થાઓ, હાલેલુયા। તમને ખબર છે કે દેવનું વચન હર સમસ્યાનું નિવારણ છે। હા, બિલકુલ સાચું। હા, તમે સાચું સાંભળી રહ્યા છો, મેં કહ્યું કે દેવનું વચન હર સમસ્યાનું શું છે? નિવારણ છે। પ્રભુની સ્તુતિ થાઓ, અને એ જ કારણ છે કે આપણે પોતાને દેવના વચનથી ભરવાની ખૂબ જ જરૂરત છે। દેવનું વચન કોઈને પણ કઈ પણ સ્થિતિમાંથી છોડાવી શકે છે, કાઢી શકે છે। દેવનું વચન સર્વસમર્થ છે, હાલેલુયા। અને પોતાને દેવના વચનથી ભરવા માટે તમારે દેવના વચનને વાંચવું જરૂરી છે। એટલા માટે દેવની સંતાનના રૂપમાં જે સમય છે, જ્યાં આપણે વચનને વાંચીએ છીએ, એને ગંભીરતાથી લો। દરરોજ સમયને કાઢો દેવના વચનને વાંચવા માટે, અને તમે જોશો
વચનમાં કેટલું બધું છે જાણવા માટે હાલેલુયા, કેટલી બધી અદ્ભુત વાતો છે. અને તમને ખબર છે, દેવે દેવના વચનમાં જીવનથી જોડાયેલી દરેક વાત લખવામાં આવી છે. જો તમારે કંઈ પણ જાણવાનું છે, તમે વચનમાં એને પામી શકો છો, શોધી શકો છો, એ વસ્તુઓને તમે જાણી શકો છો. દેવને ખબર છે કે આપણને શું જોઈએ છે. હાલેલુયા. એ જ કારણ છે કે દેવે પોતાનું વચન આપણને આપ્યું છે. અને એટલા માટે જરૂરી છે કે આપણે વચનને શું કરીએ, પોતે વાંચીએ. પ્રભુની સ્તુતિ થાઓ. હાલેલુયા. અને જેવી રીતે દેવના વચનને વાંચવાનું જરૂરી છે, એટલું જરૂરી છે કે જ્યારે તમે વચનને વાંચો છો એને કરો પણ. હા, ફક્ત વાંચવાનું જ નથી છે, એને કરવાવાળા બનવાનું છે. વચન શું કહે છે? આશીર્વાદિત છે એ જે વચનને સાંભળે છે અને એવું કરે છે. તો બંને કરવાના છે. વચનને વાંચવાનું છે અને વાંચીને જાણીને એ કરવું પણ શું છે? જરૂરી છે. જેમ વચન કહે છે એના અનુસાર વિચારો, એના અનુસાર કામ કરો, એના અનુસાર તમારો વ્યવહાર, દરેક વસ્તુ વચનના અનુસાર વચનના આધારે થવા દો. અને જેમ મેં કહ્યું, આશીર્વાદી ક્યાં છે? વચનને કરવામાં. અને એમાં એક વસ્તુ જરૂરી છે કે તમે વચનને વાંચો છો, જાણો છો, છે ને, એને બોલો આપણા જીવન માટે, તમારી આજુબાજુમાં જે છે દરેક વસ્તુ માટે, છે ને, જે પરિસ્થિતિનો સામનો તમે કરો છો, છે ને, ત્યાં શું કરો? દેવના વચનને બોલો. હાલેલુયા. દેવનું વચન સર્વસમર્થ છે. અને તમે દેવના વચનને બોલીને દરેક પરિસ્થિતિમાં શું લાવી શકો છો? બદલાવ લાવી શકો છો, છે ને. આ કેટલી અદ્ભુત વાત. પ્રભુની સ્તુતિ થાઓ. હાલેલુયા. તો તમે ક્યાં પણ કોઈ પણ મૂંઝવણને જુઓ છો અને જ્યાં પણ તમારે બદલાવ લાવવાનો છે, તો તમારે શું કરવાનું છે? ત્યાં એ વસ્તુઓ માટે દેવના વચનને બોલવાનું છે. અને તમે જોશો, જેમ તમે દેવના વચનને બોલશો, વસ્તુઓ ત્યાં બદલાશે. કેમ કે દેવનું વચન કામ કરે છે. હાલેલુયા. જ્યારે તમે વચનને બોલતા રહેશો, સ્થિતિઓ માટે, પરિસ્થિતિઓ માટે, તમે એક સાક્ષી સાથે આવશો. ગ્લોરી. હાલેલુયા. તમારું મન બનાવો કે તમે હર સ્થિતિમાં શું રહેશો? વિજય. વચનને વાંચીને, એના પર મનન કરીને, એને કરીને, એને બોલીને, એને બોલીને. હાલેલુયા. તો જેમ મેં કહ્યું, દરરોજ શું કરો? સમયને કાઢો દેવના વચનને વાંચવા માટે, અને એને ગંભીરતાથી લો. અને ના ફક્ત એને વાંચો, પણ તેમ કરવાવાળા બનો. તમે જોશો, છે ને, અને જેમ તમે એ વચનને બોલશો, તમે જોશો કે વસ્તુઓ શું થઈ રહી છે? બદલાઈ રહી છે. દેવની સંતાનના રૂપમાં ચૂપ. દેવના વચનને બોલો. ગ્લોરી. હાલેલુયા. ગ્લોરી. હાલેલુયા. અને જેમ મેં કહ્યું, કેટલું બધું છે વચનમાં જાણવા માટે. તમને આશ્ચર્ય થશે કે દેવે આપણને કેટલા અદ્ભુત, મહાન અને એક વિજય જીવન આપ. ગ્લોરી. હાલેલુયા. પ્રભુની સ્તુતિ થાઓ. અને હું હંમેશા તમને કહું છું, જે કંઈ પણ અમે તમને કહીએ છીએ, બીજાઓને પણ જરૂર શેર કરો. વચનને વાંચવું, એને કરવું એટલું જરૂરી છે. હાલેલુયા. અને જ્યારે તમે કરશો, એ વસ્તુઓને તમે હર સ્થિતિ પર પોતાને વિજયમાં મેળવો. હાલેલુયા. આ કાર્યક્રમના લિંકને તમારા મિત્રોને જરૂર બતાવજો, અને આ કાર્યક્રમને તમારા મિત્રો સાથે પાછા જરૂર જોજો. હાલેલુયા. આવતા રવિવારે આપણે પાછા મળી, ત્યાં સુધી બાય બાય. અને પ્રભુ તમને આશીર્વાદ કરો. હેલો દોસ્તો, યે સમય હૈ ઘોષણા કા. મેરે પીછે ઇસ ઘોષણા કો બોલીએ. મેં આનંદ સે ભરા હું, और हमेशा
आनंद मनाता हूँ, क्योंकि परमेश्वर मेरी महिमा और मेरे सिर को उठाने वाला है। हालेलुया। थैंक यू दोस्तों, बाय बाय। प्रभु ने स्तुति थाओ। हालेलुया। जो तमे अमारो आ कार्यक्रम पहली वार जोई रहिया छो अने तमे हजु सुधी प्रभु ईशु ने पोतानो प्रभु, पोतानो स्वामी, पोतानो मित्र ना रूप मा ग्रहण नथी करिया छे, तो आ समय छे ज्यां तमे मारी साथे आ प्रार्थना करी सको छो अने प्रभु ईशु ने पोतानो मित्र बनावी सको छो। ग्लोरी, हालेलुया। तो ज्यां पण तमे छो तमारी जग्या पर उभा रहो, तमारा हाथो ने स्वर्ग नी तरफ उठावी ने आँखो ने बंद करी ने मारा पछाड़ी आ प्रार्थना ने बोलवानु खूब प्रिय पिता, हूँ मारा पूरा हृदय थी ईसु ख्रिस्त जीवित देवना दीकरा मा विश्वास करू छू। हूँ विश्वास करू छू के प्रभु ईशुए क्रूस पर पोतानो जीव आप्यो मारी आत्मा ने बचावा माटे। एने देवे तेओने त्रीजा दिवसे मरणमांथी जीवित कर्या। आजे तेओ जीवित छे। हूँ प्रभु ईशु ने बोलावू छू मारा जीवननो प्रभु अने स्वामी थवा माटे। धन्यवाद परमेश्वर, हूँ बची गई छू, मारू तारण थई गयू छे। हूँ विश्वास वडे अनंत जीवन ने ग्रहण कर करू छू। आज थी हूँ देवनी संतान छू। प्रभु ईशु ख्रिस्त ना नाम मा आमेन। प्रभु नी स्तुति थाओ। हालेलुया। जो तमे अमारी साथे आ प्रार्थना करी छे तो देवना आ महान रूममां तमारू स्वागत छे। तो तमे अमारी साथे आ प्रार्थना करी छे आ समय छे ज्यां हूँ तमारा माटे प्रार्थना करीश। तो ज्यां पण तमे छो तमारा हाथो ने उठावी सको छो। परमेश्वर, हूँ तमारो धन्यवाद करू छू हर एक बाळक माटे, व्यक्ति माटे जेओ पोतानुं जीवन तमने आप्युं छे। हूँ धन्यवाद आपू प्रभु ईशु, कहूँ छू अंधकार अने शैतान नो तेओना जीवन पर कोई अधिकार न। ईशु तेओनो प्रभु अने स्वामी छे। तेओ आशीर्वादित छे प्रभु, तेओ सुरक्षित छे। स्वामी छे, तेओ आशीर्वादित छे प्रभु, तेओ सुरक्षित छे। अने आ बधी प्रार्थना प्रभु ईशु ख्रिस्त ना नाम मा मांगीए छीए। आमेन। प्रभुनी ओ हालेलुया। एक वार फरीथी तमारू बधानू देवना महान कुटुंबमां स्वागत छे। प्रभुनी स्तुति थाओ। आ समय छे आपणे परमेश्वरने आपणी भेट आपी शकीए छीए। अने ज्यां पण तमे छो, जो तमे ऑनलाइन जोई रह्या छो तो डिटेल स्क्रीन पर छे। मारा मम्मी पप्पा साथे वात करीने बैंक ट्रांसफर वडे पण तमे तमारी भेट आपी शको छो। जो सेंटर मा छो, चालो आपने भेट माटे प्रार्थना करीशु। परमेश्वर, अमे तमारो धन्यवाद करिए छीए आ भेट लावाना अनुग्रह अवसर माटे। आ भेट तमारी आत्मा वडे पवित्र अने तमने ग्रहण थवाने योग्य छे। धन्यवाद आपीए छीए परमेश्वर के जेम अमे आप्यु छे आपवानु अने ग्रहण करवानो अनुग्रह अमारा जीवनो मा वधे छे। अमारा जीवनो मा कोई कमी छे, अमारा जीवनो मा कोई कमी कोई घट नथी छे। लोको अमार मापीने दबावीने उभरतू अमारा खोड़ामा मुकी रह्या छे। धन्यवाद करिए छे परमेश्वर। आ प्रार्थना ने प्रभु ईशु ख्रिस्तना नाममा मांगीए छे। आमेन। प्रभुनी स्तुति थाओ। हालेलुया। प्रभुनी स्तुति थाओ। मने विश्वास छे के तमे बधाने खूब ज मजा आवी अने के એટલું બધું આજે આપણે શીખ્યા છીએ। અને જેમ હું હંમેશા કહું છું, જે કંઈ પણ તમે શીખ્યા છો બીજાઓને જરૂર બતાવો અને તમારા મિત્રો, તમારા ઘરમાં, કુટુંબમાં બધાને જરૂર બતાવો। હાલેલુયા। આ સમય છે આપણે પરમેશ્વરને ધન્યવાદ આપીએ। જ્યાં પણ તમે છો ઊભા રહી શકો છો, તમારી જગા પર તમારા હાથોને સ્વર્ગની તરફ ઉઠાવીને આંખોને બંધ કરીને ધન્યવાદ આપો પરમેશ્વરને તેઓના પ્રેમ, દયા, કૃપા, ભલાઈ માટે। કસ્સા તેમાં સુખ રહેતા
ली बाबा बसे ते मा 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 कंती लकसे के मा सो कतय बदी दबो संत न दे छे। धन्यवाद तमारी दया तमारी कृपा तमारी भलाई मत परमेश्वर हूँ धन्यवाद आपू छू। हूँ प्रार्थना करू छू हर बाड़क हर व्यक्ति माटे जे आ कार्यक्रम ने जोई रहिया छे। प्रभु तमारु वचन तेओना जीवन मा वधी रह्यु छे प्रबळ थई रह्यु छे वचन नी ऊंडी समझ तेओना अंदर आवी रही छे। तेओ निर्भयता थी सुवार्ता ने प्रगट करवा वाला बनी रह्या छे। प्रभु तेओ विजयी छे प्रभु तेओ चैम्पियन प्रभु धन्यवाद जवामा अने आववामा धन्यवाद देवीय स्वास्थ्य तेओनु छे। प्रभु तेओना घर मा शांति छे आनंद छे भरपूरी छे। प्रभु अमे तमारो धन्यवाद आपीए छीए धन्यवाद आपीए छीए तेओ आत्मिक दिमाग ना छे अने तमारी आत्मा वडे चाली रह्या छे। परमेश्वर अमे तमारो धन्यवाद आपीए छीए अने आ बधी प्रार्थना प्रभु ईसु ख्रिस्त ना नाम मा मांगीए छीए आमीन। मारी साथे बोली सको छो परमपिता नो प्रेम ईसु ख्रिस्त नो अनुग्रह अने पवित्र आत्मा नी सहभागिता मारी साथे हमेशा मा बनी ने रहे प्रभु ईसु ना नाम मा आमीन। प्रभु थाओ हालेलुया। तो आवता रविवारे आपणे पाछा मळीशुं त्यां सुधी बाय बाय अने प्रभु तमने आशीर्वादी करो। मुझे पता है आपको बहुत मजा आया और मजा लेना हो तो अपने दोस्तों के साथ फिर से करना। बाय बाय। सब्सक्राइब टू आवर चैनल हिट द बेल आइकन लाइक कमेंट एंड शेयर। थैंक यू एंड गॉड bless you.